हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं आरजे पूरब चैनल से चुंबक कार प्रैंक एपिसोड 24। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड एक अनदर कार प्रैंक वीडियो चुंबक। ये टाइटल क्यों मिला है इस वीडियो को, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंड उसके बाद में पता चलेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सत्ताईस नंबर बैठ, सुनो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। एक है कितने? एक ही है यार, एक। चलो बैठो। खतरा है, खतरा। सीट बेल्ट वह भाई, उनका कुछ और समझे। मैं बैग नीचे रख दो, इधर रख दो नीचे आराम से। ये मुझे ये बताओ, जिन लोगों को भी बैठाते हैं ये, इन्हें सीट बेल्ट बांधना क्यों नहीं आता? तो पता नहीं कितनों से लिफ्ट लेते होंगे ये, इन्हें सीट बेल्ट बांधना नहीं आता। कोई आप बताओ। मैं बुला दिया भाई। हेलो, क्या नाम है इतना भैया? आकाश। बड़ा सीधा साधा बंदा लग रहा है यार। आसमान आप बहुत सही आदमी के साथ बैठे हैं। इस गाड़ी में ऐसे कोई बैठता नहीं है। बहुत लिमिटेड लोगों की संख्या है जो इसमें बैठे हैं, उसकी एक वजह है। हमारा काम है बीमारी को जड़ से पकड़ना। कहाँ से पकड़ना? हैलेट हॉस्पिटल का नाम सुना? हैलेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल। हमारे लिए कभी पूछना वाला क्या डॉक्टर नोचू कहते हैं, हमारे इधर ही अस्पताल पड़ता रनिया। हम लोग 6 डॉक्टरों की टीम है जो अलग अलग एरिया में सर्वे के लिए निकली। आदमी को पता नहीं चलता उसके अंदर क्या क्या बीमारियाँ हैं। 2 मिनट में बता देते हैं आदमी देख के, क्या कमी है, क्या कितना, क्या हीमोग्लोबिन बढ़ा, क्या कमा है। आप विश्वास नहीं मानोगे हमारी बात का, देखो। स्टेथोस्कोप देखकर तो सब मान जाते हैं कि हार्ट डॉक्टर है भाई। गहरी सांस खींचो। बलगम हुआ था बीच में? नहीं, कुछ पिछले साल नहीं। फिर खींचो पीछे, दिखाओ पीठ, खींचो। मुंह खोल के खींचो। हाँ ये ना, अब पता चला। नहीं मतलब ये हमारे चोट लगी थी एक बार, ये रॉड घुस गई थी यहाँ से, घुसी थी। आयरन है, आयरन इसीलिए बड़ा हुआ अंदर। ये रॉड अंदर गई थी ना? हाँ, आर पार हो गई थी, यहाँ निकल गई थी। क्योंकि इसके बाद पता क्या हुआ, टिटने का इंजेक्शन लगवाए थे। हाँ, गलत लगाए थे। ये जो यहाँ हमारे यहाँ एक हुआ है, मतलब हॉस्पिटल है बड़ा, उन्होंने मतलब किया था। तुम विश्वास नहीं मानोगे, खुद सुनो उनको, फिर बता रहे क्या दिक्कत। खींचो कस के सांस, एक बाव खींचो। कुछ नहीं आ रहा ना आवाज, यहाँ से आती है, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल नील है। तुम्हारे साथ दिक्कत पता क्या, जब ये टिटबैक का इंजेक्शन तुम्हारे लगा है तो लगा है उसमें गलत, या तो एक्सपायरी लगा दिया है। तुम्हारा जितना ब्लड दौड़ रहा है इसमें, इसमें वनीला की और चोकोलावा की मात्रा बहुत ज़्यादा आ गई है। इसके लिए क्या होगा, इसको आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा तुरंत से पहले।
इसीलिए हमने पूछा था कि आधार कार्ड आपका बना है कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो नंबर दे देना, हम आपसे लड़ने मिल जाएंगे। बेट खा लिए कोई? खत्म। हाँ भाई डीलक्स डीलक्स कराओ। नहीं नहीं उनको हटा दो, उनसे नहीं हो पा रहा, उनको हटा दो। मेरी बात करा दो, नहीं उतर रहे तो यार उनको उतारो, वो बेड खाली कराओ एक डीलक्स। टीवी? हाँ टीवी है उसमें, कुछ देखते हैं आप चैनल है बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ इमरजेंसी है। ठीक आपको ना नंबर की जरूरत पड़ेगी ना किसी की, तुरंत से पहले हमारा यही संकल्प है इलाज। इसमें क्या रहेगा अभी, ये जितना आयरन अंदर घूम रहा है जो खराब है उसको निकाल लिया जाए। आपने देखिए मशीन ने बताया, खुद ही आपने बताया रॉड घुसी थी, हमें तो नहीं मालूम था। हमें कैसे पता चला कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा आपके यहाँ अंदर बढ़ी हुई, और वो भी जंग लगा होगा वो? नहीं जंग नहीं, अंदर लगाना जंग उसमें। आप करा लीजिए, उसके बाद बताइएगा जब आपको फर्क ना पड़े। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसे तो हर दूसरा आदमी बीमार घूम रहा है यहाँ पर। नहीं बीमार, वो आपने सुना है ना, जब एक आपने वो सुनी होगी इस शहर को हुआ क्या धुआं धुआं इस पूरे शहर में, वो हम ही लोगों ने बनाया था पूरा प्रोग्राम। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक टेक्निक है जो अपनी मैग्नेट रहती है, मैग्नेट चिंबुक आपके पीछे वाले रास्ते में लगा के सारा जितना एक्स्ट्रा लोहा है आयरन वो घसीट लेंगे, हम वापस करवा देंगे आपको, ले जाना वापस। आप खुद सोचना जब आपकी कितनी मात्रा में आपका खराब जो लोहा अंदर गया आयरन निकल। तो कैसे कराओगे इसे हाथ में? अगले महीने शादी कराना है। नहीं वो तो हो जाएगी, आप हमको बुलाएंगे हम भी आएंगे उसमें। अरे उतार दो आप हमको भाई, माना करो। अरे चल अंकल जी, अरे रहने दो अंकल जी, सुना करो माना करो, करा लो कुछ नहीं होगा। रहने दो, एक हल्का कर... इतना चीरा लगेगा और कुछ नहीं होगा। चल गलत चल रहा है। अरे भाई समझा करो, कुछ नहीं होगा। अरे प्लीज हमको जाना है अर्जेंट भाई, ऐसे तुम लिए बीमारी टहलते रहोगे दिन भर यार। टहलाते रहेंगे, हमको जाना है। दांत देखो अपने जरा, वही बता हम जाना है हमको। दांत तो देखो, तुम्हें मालूम अंदर तुम्हारी कितनी गंभीर बीमारी है, ये करो एक बार देखो। देखो खा लेते हैं नाइट में, नाइट में तो ये नाइट का असर है, इसको दिन में खाओ। नहीं खाएंगे, चले जाना पहले, हमारे मिशन का क्या होगा? उतार दो मिशन, हमको नहीं पता है। उतार दो आप, तुम गलत समझ रहे हो भाई, गलत नहीं समझ रहे हो, धोखेबाज समझ रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। जाने दो प्लीज अंकल जी, भाई साहब रुक दो अंकल जी। कैसे मर गया? गुड बाय गया। अभी तो तुम बोल एम्बुलेंस को खड़ी मैं, अभी तो तुम बोल रहे थे सही है वो, उतार दो अंकल जी। चलो वो बनवाओ, डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ जल्दी हमारे लेके। ठीक आकाश नाम लिखो, 27 नंबर बेड। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सुनो भैया। ओ गॉड भाई मेरे, इधर आओ, मजाक कर रहे, कैमरा लगा है, अबे मजाक कर रहे। सुनो वो चला गया। सुनो आकाश भैया मेरी बात सुनो, बैठना नहीं, बैठना नहीं मेरी बात तो सुन लो, तुम गलत समझ के जाओगे ना। सुनो ये कैमरा लगा है जो फालतू आदमी के साथ ऐसे लिफ्ट लेता है ना, उसके लिए वीडियो बनाते हैं, अनजान आदमी के साथ ना बैठना, और गुटखा खाना कम कर दोगे, बहन की शादी है हमें बुलाओगे पक्का। आरजी पूरा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, ये बात आ जाओ आएंगे शादी में, बाटिया होटल तक छोड़ दें, बाटिया होटल तक छोड़ दें। ये लिफाफा दिखा दो एक बार, इसे पिछली बार वाले वीडियो में को हम देना भूल गए थे तो जान खा गए थे हमारी, कह रहे थे दिए नहीं हो तो। ठीक है
ओके यहाँ पे ये वीडियो खत्म भाई साहब। वो सुन ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा, वो भाग गया कार से निकल के, ऐसी सांस में सांस आई होगी उसके, हाय भगवान बच गए, वरना ये तो अभी पिछवाड़े में चीरा लगा के वहां से लोहा चुंबक से खींच लेता। ओ माय गॉड, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है आज पूरों के दिमाग में खुराफाते आती कहाँ से, मतलब क्या। और बीच में तो मतलब वो भी हो गया था, डावाडोल हो गया था मामला कि हाँ अब बोलूँ क्या कि जो हुआ हो, बलगम उनको हुआ नहीं, ऐसे कैसे बोल दे कि हाँ तुम्हें बुखार हुआ था या क्या हुआ था, क्या हुआ था, है ना। तो वहाँ बीच में अटक भी गए थे, लेकिन नहीं, सफल रहा ये प्रैंक भी। और भाई साहब ने एक और को मैसेज दिया कि भैया अनजान आदमियों के साथ सफ़र ना करें, उनका पिताश्री खुद बैठा के जा रहे हैं, बस एक ही लौंडा है जी, इसको ले जाओ। अरे तुम्हारा एक ही लौंडा है तो उसको काये बिठाए दे रहे हो, हैं दो गई। सो यहाँ पे यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा फनी थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।